अभी अभी देखा है यह मूवी लियो को। डायरेक्टर और एक्टर को लेके जो ये मूवी इतना ज्यादा हाइप में है कि यह सच में मूवी की स्टोरी में कुछ अलग देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इस यूनिवर्स की दूसरी मूवी विक्रम और केती की तरह क्या लियो की स्टोरी को भी लोग कनेक्ट कर पाएंगे, सब कुछ जानेंगे इस छोटे से वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें मूवी की स्टोरी की, तो फिल्म की स्टोरी फोकस कर रहे हैं दो कैरेक्टर के ऊपर। फर्स्ट प्रेजेंट में दिखाई जाने वाले कैरेक्टर प्रीति और सेकंड पास्ट की कैरेक्टर लियो दास। अभी जैसा कि मैंने बताया मूवी की स्टोरी दो कैरेक्टर के ऊपर फोकस करेगा, तो इसी चीज को फॉलो करके मूवी की स्टार्टिंग में कैरेक्टर पार्थी इंट्रोडक्शन होती है, जिसमें हमें देखने को मिलती है उसका एक छोटा सा फैमिली है जहाँ वो कॉफी शॉप चला के खुशी से रह रहा होता है। लेकिन अचानक उसके लाइफ में कुछ गुंडे पड़ जाते हैं और फिर किस तरह से कैरेक्टर पार्थी लियो दास बनता है वो सब कुछ देखने को मिलेगा मूवी की फुल स्टोरी में। इसके अलावा भी मूवी के इंटरवल के बाद लियो की बैकग्राउंड स्टोरी देखने को मिलेगा जो लोगों को काफी पसंद आएगा। अभी जैसा कि आप सभी को पता है केती और विक्रम के बाद लियो इस यूनिवर्स का पार्ट है, तो अभी इस चीज को रिलेट करने के लिए भी दो सीन देखने को मिलेगा फुल मूवी में। फर्स्ट, आपको पता होगा केती मूवी में एक हाबिलदार नजर आया था, अभी वही हाबिलदार नेपोलियन मूवी के इंटरवल के बाद देखने को मिलेगा। बाकी विक्रम मूवी की सबसे बड़ी कैरेक्टर लियो मूवी के क्लाइमैक्स में नजर आएंगे। अगर आप लोग मूवी देख चुके हो तो कमेंट में जरूर बताना कि ये चीज को आप नोटिस किए हो या फिर नहीं। फुल मूवी को वॉच करते टाइम एक ही बात सबसे अच्छा लगा और वो ये था कि लियो एक यूनिवर्स का पार्ट होके भी अपने आप एक यूनिक है और हर मूवी से अलग है, जिस वजह से जो भी न्यू व्यूअर्स इस मूवी को वॉच करेगा उसको मूवी समझने के लिए दिक्कत नहीं होगा। जहाँ अनिरुद्ध की बीजीएम को सभी पसंद करते हैं, वहीं लियो मूवी में दो बीजीएम सुनने के लिए मिलेगा और दो बीजीएम से एक बीजीएम अच्छा लगेगा और दूसरा इतना भी खास नहीं लगेगा। लास्ट में अगर बात करें कैरेक्टर लोगों की एक्टिंग के बारे में, तो विजय थालापति को इस तरीके की कैरेक्टर को प्ले करते हुए हम पहले भी और कोई मूवी में देख चुके हैं, जिसमें वो हर मूवी में कॉमन मैन की तरह रहना और लास्ट में ऑडियंस को सरप्राइज करते हुए खुद का पावर दिखाने का काम करते हैं। लेकिन ये पूरी मूवी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जब आप लोग इस मूवी को देखने बैठोगे तो पता चलेगा कि थालापति सर की जो साइलेंट कैरेक्टर होगा वो बिल्कुल मूवी की स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक आ जाएगा और सिर्फ मूवी के क्लाइमेक्स के 5 मिनट के अंदर लियो दास एंट्री मारेगा। मतलब कि कैरेक्टर तो वही सेम रहेगा, लेकिन बस ऑडियंस को पता चलेगा कि प्रार्थी ये जो कैरेक्टर है ये कोई और नहीं बल्कि लियो दास है। इसके अलावा मूवी के मोस्ट वायलेंट मैन संजू बाबा की बात करें तो इनको स्क्रीन में ज्यादा टाइम नहीं मिला है, लेकिन जो फुल मूवी में ये 20 मिनट तक आएंगे तब तब अपनी एक्टिंग के दम पे व्यूअर्स को डरा के ही जाएंगे।